हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो भाई साहब, आज मैं इवनिंग में लॉगिन आया हूँ, और वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा यार आज हम क्या करेंगे। तो ठीक है भाई, आज हम जोमैटो करेंगे। भाई बैग ले आऊँ मैं आगे रख के, और टाइम क्या हो गया भाई, 6:38। मैंने 7 बजे का गिग बुक किया है, क्योंकि 7 से 10 में यार मेरे को कोई ऑफर दे रहा था 20 रुपये एक्स्ट्रा देगा। वैसे पूरे 2 महीने बाद खोलूँगा मैं। मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जोमैटो पर भाई 24 जुलाई, शायद इसी के आसपास थी जुलाई में। अब लाओ जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर भी आ गया, यार कितना टाइम हो गया भाई। आज 29 सितंबर है भाई, तो क्या करें यार। देखो मैं बीच में प्लास्टर भी लग गया, फिर और भी दिक्कतें आ गई, और जोमैटो करने का आपको पता ही यार मन करता ही नहीं है। बाकी कोई नहीं, देखते हैं यार रेट क्या दे रहा है। वैसे तो कह रहे हैं सारे बहुत कम पैसे कर रही है जोमैटो में, और 20 रुपये दे रहा खाली एक्स्ट्रा ड्रॉप इंसेंटिव। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, अब चलते हैं यार फटाफट अपने जोन में और लॉगिन करते हैं। इतने दिनों बाद जोमैटो करूँगा, लेट्स सी जोमैटो में क्या इनकम देता है। तो दोस्तों लॉगिन करने के यार 3-4 मिनट बाद ही ना टाइम देखो क्या हो रहा है, 7:07। तो 7:02 या 7:03 पे मैंने लॉगिन कर लिया था भाई। अपने पास पहला ऑर्डर आ चुका है, और वो है 55 रुपये का। यार रेट तो सही दे रहा है यार, मेरे हिसाब से लगभग 6 किलोमीटर का ऑर्डर है। पिकअप भी पास ही है यार, रोड क्रॉस करके जाना है बस, तो ठीक है मेरे हिसाब से। पिकअप लखन पान, नए नए रेस्टोरेंट खुल गए हैं यार, रेस्टोरेंट है शॉप है मुझे तो पता भी नहीं है भाई, बहुत टाइम से सही बता रहा हूँ। चलो चलते हैं यार फटाफट, इसको ऑर्डर को पिक करते हैं और देखते हैं। 6 किलोमीटर का ऑर्डर है भाई, तो कहाँ जाना है 6 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर ही है। चलो भाई ऑर्डर रेस्टोरेंट ने मार्क कर दिया, पिकअप हम भी कर लें। चलो थैंक यू भैया। चलो भाई ऑर्डर पिकड अप भाई साहब, रजौरी गार्डन। चलो फटाफट देखते हैं वहाँ से क्या होता है। ये अपना सही है भाई, देखते हैं भाई जोमैटो क्या देता है आज। अगर जोमैटो ने ठीक ठाक अर्निंग करा दी ना, तो हम मैं दीवाना हो जाऊंगा जोमैटो का। भाई ऑर्डर डिलीवर्ड, अरे कितने मिल जाएं भाई, 55 रुपये मिले भाई, चलो बढ़िया। नेक्स्ट ऑर्डर की वेटिंग, यार ये सही था, पर ट्रैफिक बहुत है भाई सड़कों पे। हाँ इवनिंग में ट्रैफिक होता है भाई साहब। मल्टी कर दिया 50 रुपये का ऑर्डर। चलो एक डफन क्रीम से उठाना है, एक टमी सेक्शन से। अरे बाप रे, ऊपर चढ़ने में थकावट हो जाती है मेरे को भाई, उम्र हो गई है यार मेरी, क्या करूं। चलो चलते हैं भाई। तो भाई साहब आ गए हम डफेन क्रीम, ये तो मार्क रेडी कर रखा है भाई, बढ़िया। अरे वो 6023 है ना, पिक्ड अप ठीक है भाई। हाँ भैया यूट्यूब पे, हाँ चैनल, थैंक यू। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं टमी सेक्शन, अंसल क्लासिक टावर। ये 600 मीटर से 500 मीटर से, चलो बढ़िया यार, फटाफट पिक करते हैं, चलते हैं यार। भाई साहब रेडी, अरे भैया मेरा भी रेडी कर दिया, अब दे दो फटाफट, यही है ना 5273। लो पिक डन, चलो भाई शुक्रिया, मिलते हैं आपसे, थैंक यू। भाई साहब अब हमने दोनों ऑर्डर मेरे पास हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी वरना ठीक है भाई। देखो तो अंधेरा देखो ना कितना हो रहा है यार, रात को अंधेरा ही तो होगा ना यार, क्या और रोशनी होगी पता नहीं, मैं भी क्या बोलता रहता हूँ यार। चलो यार फटाफट चले भाई, पहले हमें रजौरी गार्डन का ऑर्डर देना है, ये डफेन क्रीम के नूडल्स। और ये है कितना दूर यहाँ से दिखाऊँ आपको, भाई साहब 800 मीटर पे ऑर्डर है मात्र, फटाफट। यार पहले जोमैटो यही करवाया था यार डिलीवर, हद है भाई, जोमैटो वाले भी सही यार। मैं 600 मीटर ये लेने आया हूँ, इससे 800 मीटर वही करवाया था। जोमैटो वाला भी भाई साहब पता नहीं क्या करते हैं, क्या चलते हैं। लीजिए सर, थैंक यू सर। चले भाई अनंत मदान जी रमेश नगर, अब ये भी सेकंड फ्लोर भाई साहब, सारे ऑर्डर सेकंड फ्लोर ही आ रहे हैं क्या आज। लीजिए मैम, वेलकम। चले भाई नीचे, ये भी थर्ड का ऑर्डर, ऑर्डर डिलीवर्ड। चलो भाई यार मेरे को 3 ऑर्डर करें, और 3 ऑर्डर मिले हैं मेरे को, 2 सेकंड फ्लोर पे, 1 थर्ड फ्लोर पे। चलो ये अच्छा है, यहाँ पे लिफ्ट थी भाई, नेक्स्ट ऑर्डर कर ले यार, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे। चलो यार फटाफट चलते हैं भाई, और अपने थर्ड ऑर्डर की वेट करते हैं। दोस्तों वहाँ से यार निकलते ही ना यार, जैसे नेटवर्क में आया भाई लिफ्ट से बाहर, भाई सब ऑर्डर आ गया अपने पास, और हमें जाना है भाई, मात्र 22 रुपये का ऑर्डर है यार, रमेश नगर से रमेश नगर ही। अरे भैया पहलवान ढाबा यही है, अच्छा थैंक यू भाई साहब, पहलवान ढाबा। यार एथर का स्टैंड क्यों नहीं खुलता भाई, हाँ खुल गया खुल गया। चलो भाई रीच्ड पिकअप, अरे बाप रे ऑर्डर रेडी है, और ये क्या लिखा है भाई कस्टमर ने, अरे ऐसे देते हैं यार, लीव ऑर्डर विद द गार्ड, बढ़िया भाई। और खेतरपार हॉस्पिटल पे देना है भाई, ये रहा कोने पे। चलो ऑर्डर भी रेडी यार, 4856 यार। पहलवान ढाबा बोर्ड तो लगा देते कहीं, बोर्ड ही नहीं लगा यार,
भैया 4856 ये डन। अरे आम से भाई, चलो यार खेतरपाल हॉस्पिटल, वो भी गार्ड साहब को देना है, कस्टमर को कंफर्म कर देना है बस। कोई नहीं, क्या दिक्कत है यार, नीचे बैठ जाओ यार, आप तो ऊपर ही आओगे। टेक राइडर अरे अच्छी बात है भैया, एक सेकंड को, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, 5G का ही हाल है भाई। अरे 4 यहाँ पे 3G नहीं चलता इंडिया में ढंग से, ये 5G का ही हाल है, नहीं चलता इंडिया में, बहुत बुरे हालात हैं भाई। यही है, हाँ इन लोगों को लेटार के मारो, यही है अपना चैनल, यही है, पहले अपना ही आता है सबसे बड़ा। क्या नाम है भाई? टेक राइडर सर्च करना, वीडियो कब डलेगी? हाँ ये डलेगी भैया ट्यूसडे, इन्हें दिखा दो मिल जाएगी आपको। चलो बढ़िया, अभी तो आप ही दे दोगे? हाँ मैं दे दूँगा पूरा। चलो कोई नहीं, दे देना खाना। हाँ बस चलिए, थैंक यू भैया, आई होप दोबारा मिलना आ जाए, दोबारा ऑर्डर, अरे ऑर्डर देने आएंगे भाई, क्या दिक्कत है। चलो ओके भैया, थैंक यू। चलो भैया गार्ड साहब नहीं दे दिया, हमने भी ऑर्डर डिलीवर कर दिया फटाफट, ये अच्छा हुआ भाई, ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है यार मेरे को, सही दाम 21.99 रुपये। चलो कोई नहीं यार, एक पे आउट का ऑप्शन आता था यार जोमेटो में, कहाँ गया ये भाई, कहाँ गया पे आउट भाई, मैं गिग बुक कर लूँ यार पहले। अरे वाह 75 रुपये का ऑर्डर भाई साहब, 75 रुपये में कहाँ भेज देगा मेरे को ये, अरे बाप रे, एक पंजाब, ये तो बड़ा रेस्टोरेंट है यार, इस तो वेट भी कराएगा, और 75 रुपये का ऑर्डर भाई 10 किलोमीटर के आसपास का है यार, बहुत कम रेट दे रहा है जोमेटो से उम्मीद नहीं थी यार मेरे को ये। और देखें जरा भाई, ऑर्डर तो रेडी है वैसे यार, और जाना पता कहाँ है हमें, क्या जाना है भाई, भाई साहब सेवक पार्क, अरे यार द्वारका मोड़ भेज दिया इसने, क्या करूं यार मैं, अरे बाप रे, ओ बाप रे। देखें भाई जोमेटो का ऑर्डर कहाँ मिलेगा, जोमेटो का ऑर्डर कहाँ मिलेगा, रेडी आपका ऑर्डर? हाँ रेडी अंकल, हाँ कोई नहीं, 831 13 कर दूँ, हाँ तीन ऑर्डर पड़े हैं ना, एक निकालो, हाँ भाई ये कन्फ्यूजन हो जाती है, दिक्कत होती है। चलिए थैंक यू अंकल। चलो भाई ये तो हो गया, अब हमें जाना है सेवक पार्क, अरे बाप रे बहुत दूर है यार ऑर्डर, 9.4 किलोमीटर। भैया अंकल ने बात बहुत ही अच्छे वे से की यार, मज़ा आ गया, तो ऐसे रेस्टोरेंट वाले अगर बात करें ना तो मतलब क्या हो जाए भाई, हम राइडर्स थे ठीक है, गार्ड साहब भी थे बट बहुत ही अच्छे थे वे में बात। अच्छा सॉरी लीजिए भैया, हाँ एक पंजाब से, एक सेकेंड, हाँ वेलकम भैया। चलो भाई हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया भाई साहब, अच्छा ये सीन है, ये है, चलो भाई क्लिक सेल्फी इन 177 सेकेंड्स, चलो देते हैं इसको सेल्फी भाई, अब देने कहाँ है, अरे मैं तो काट दी गलती से, वैसे इसने ली नहीं सेल्फी मेरी, कहाँ दूँ भाई सेल्फी, वैसे इनकम कितनी हो गई भाई, 307 रुपये हो गई इंसेंटिव वगैरह मिला के। तो भाई साहब आ गए हम पिज़्ज़ा यम ऑर्डर पिक करने, ऑर्डर भी रेडी है यार बढ़िया, 9260, फटाफट लेते हैं भाई अपना ऑर्डर और चले। हो गया भैया जोमेटो, चलिए थैंक यू। चलो भाई ऑर्डर पिक कर दिया भाई, हमें जाना है दीप एनक्लेव उत्तम नगर हस्ताल, चलो अच्छा है भाई उत्तम नगर तक पहुँचेंगे, वहाँ से क्या पता विकासपुरी निकाल दे हमें, तिरंगा चौक, वैसे अंदर कीचड़ है बहुत, चलो कोई नहीं जाना तो पड़ेगा, 4.5 किलोमीटर के 55 रुपये दे रहा है यार, ठीक है हाँ पिकअप भी तो आया भाई यार, उस ऑर्डर में कम दिया यार, चलो कोई नहीं यार कभी कम ज़्यादा, और 20 रुपये का ड्रॉप इंसेंटिव भी तो देगा, मेन तो लालच भाई है मेरा। चलो कोई नहीं भाई चले फटाफट पिज्जा लेके, भाई साहब ये गूगल जोमेटो मिल के कहाँ लेके आए हैं मेरे को, ये देखो, अरे अरे बाप रे यही कीचड़ की वजह से नहीं आता भाई मैं इस साइड, अरे बाप रे, अब जोमेटो में मजबूरी है भाई, लेना पड़ता ऑर्डर जो भी है, इसमें हमें पता ही नहीं होता रेस्टोरेंट है कहाँ, ये शुक्र करो यहाँ भेजा भाई, या तो वहाँ से कहीं नजरगढ़ वगैरह ना भेज देता,
फिर तो ऐसे ही हो जाती मेरी। चलो यार फटाफट इसका ऑर्डर को डिलीवर करें भाई, बहुत रास्ता खाली है भाई, बट एक तो ढूंढने में टाइम लग रहा है, ऊपर से कीचड़ बहुत ज़्यादा, कब कहाँ क्या मिल जाए कुछ नहीं पता। तो भाई साहब ये ऑर्डर कर दिया मैंने डिलीवर्ड, 49 रुपीज़ दिए हैं। काट लिए क्या इसमें से मटन है कुछ, शायद काट लिए। भाई साहब सेल्फी दे देता हूँ यार इसको मैं सबसे पहले। A few minutes later. तो दोस्तों भाई मैं कम से कम वहाँ पे 15 मिनट खड़ा रहा, कोई ऑर्डर नहीं आया। वहाँ से मैं फिर घसीटते हुए नाले से ही विकासपुरी आ गया, तब जाके यहाँ पे जैसे ही नाले से उतरा हूँ विकासपुरी साइड पे, भाई ऑर्डर बजा दिया इसने, शकील चिकन कॉर्नर हस्ताल। अरे यार फिर हस्ताल में डाल दिया, चलो कोई नहीं, 10:30 बज चुके हैं यार, आई होप तब तो लेट हो गया, ज़्यादा ट्रैफिक होगा नहीं कहीं खास। तो चलते हैं फटाफट ऑर्डर को पिक करते हैं भाई, पर पिकअप है 2 किलोमीटर की, तो ऑर्डर भी 6.5 किलोमीटर का। देखें यार ऑर्डर 6.5 किलोमीटर कहाँ भेजता है, अब दोबारा द्वारका या उत्तम नगर ना भेज दे भाई, मैं तो यही कह रहा हूँ सिर दर्द हो जाएगा यार, हद है भाई। अरे भाई मत भेजा करो ऐसी ऐसी जगह पे, बहुत ट्रैफिक, इतना उबड़ खाबड़ ना भाई साहब, इतने खड्डे, मेरी बैंड बच चुकी है पिछवाड़े की भैया। भाई साहब बड़ा भारी ऑर्डर है यार, एक सेकंड भैया। चलो भाई पश्चिम विहार, ये वो खड़ी अपनी गाड़ी। भाई साहब 6.5 किलोमीटर ठीक है, फटाफट चलते हैं भाई, आज तो कस्टमर पार्टी करेंगे भाई बढ़िया सी। अरे वाह बहुत आइटम है, हमें क्या भाई, हमें तो अपना काम करना है बस। चलो भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर्ड, ये होता है मस्त आराम से ऑर्डर डिलीवर हो गया ना, बहुत ही बढ़िया भाई। कितने दे दिए, 64 वही देता है, कम कर देगा जोमेटो पर, ज़्यादा नहीं करेगा भाई। और कितने की अर्निंग कर ली उन्हें, अरे बाप रे 450 रुपये की अर्निंग, वाओ वाओ बहुत ही बढ़िया। चलो कोई नहीं भाई, देखें जरा यार, किसी कस्टमर ने टिप नहीं दी यार आज, पर ये अच्छा है भाई ज़्यादा रेस्टोरेंट्स पे वेट नहीं करना पड़ा हमें, सबसे बड़ी बात वेट नहीं हुआ यार, वरना वेट बहुत है। और गाड़ी देखो मेरी कितनी चली है, 48.5 किलोमीटर, वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा इसलिए चल गई क्योंकि नाले से विकासपुरी तक आया था भाई, होंगे 2-3 किलोमीटर तो होंगे वो, इसलिए चलो अच्छी बात है यार भाई, ये इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि ड्रॉप इंसेंटिव था, अदरवाइज नहीं होता, अदरवाइज तो बैंड बज जाती, इतनी इनकम कहाँ हो पाती, और किसी रेस्टोरेंट ने वेट नहीं करा। चलो यार फटाफट चलते हैं भाई, बाहर निकलते हैं यहाँ से, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर क्या मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा उतार रहा हूँ यार, भाई देखते हैं क्या पता फिर मैं आपसे घर ही मिलूँ डायरेक्ट, क्या अर्निंग हो रही है। हेलो दोस्तों, तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ अपने घर और मैं अगले दिन मॉर्निंग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार देखो जोमेटो ने भाई काम तो बढ़िया करवाया है मेरे हिसाब से, जोमेटो में जो मैंने टोटल अर्निंग किया वो करी है भाई 644 रुपये की, और इसमें जो मेरी गाड़ी चली है भाई घर तक चली है 75 किलोमीटर्स, तो मैं अपने घर तक आया हूँ पूरा, कहने को जोन मेरा पश्चिम विहार है बट फिर भी मैं अपने घर तक पूरा आया हूँ 75 किलोमीटर्स में। तो यार गाड़ी तो सही चली है, जोमेटो ठीक अर्निंग तो दे रहा है, दे क्या रहा है यार, देखो मैंने 2 महीने बाद लगभग लॉगिन किया था तो उसने स्पेशल ड्रॉप इंसेंटिव दिया, 180 रुपये का ड्रॉप इंसेंटिव है आप देख सकते हो, तो यार तभी जाके इनकम हो पाई है। बाकी नॉर्मल डेज है मेरे हिसाब से, जो लोग कह रहे हैं ना बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं, बाकी हाँ ट्राई कर लेंगे यार एक बार नॉर्मल डे में भी करके, क्योंकि देखो रेगुलर करूँगा तभी पता चलेगा जोमेटो को, एक बार ट्राई करूँगा, थोड़े दिन में एक और वीडियो आएगी भाई जोमेटो पर, पता चल जाएगा उसमें कि भाई नॉर्मल डेज में क्या दे रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद भाई काफ़ी इंसेंटिव देता रहता है जोमेटो, किसी को 25 रुपये ड्रॉप इंसेंटिव दे रहा है, किसी को 20 रुपये दे रहा है, किसी को शायद 30 भी दे रहा हो यार, कोई ज़्यादा टाइम से नहीं कर रहा हो तो जोमेटो का कोई भरोसा नहीं है भाई सबसे बड़ी बात। और जोमेटो में अर्निंग अच्छी है बट यही टाइम है भाई रेस्टोरेंट वाले वेट कराते हैं, यहाँ पे आज के दिन पता नहीं यार क्या हो गया मुझे, किसी रेस्टोरेंट ने ज़्यादा वेट नहीं करवाया, ज़्यादा ना वेट हुआ ना कस्टमर्स भी सही मिले और प्रॉपर ड्रॉप हो गया सारे ऑर्डर्स भाई, टाइम टाइम का खेल है भाई, कई बार तो ऐसा ऐसा होता एक ऑर्डर में फंस जाओ ना तो फंस ही जाओ, कई बार अगर मुंडका साइड का ऑर्डर बजा दिया या नांगलोई साइड का भाई सब बहुत ज़्यादा सीन हो जाता है, तो कोई भरोसा नहीं है भाई जोमेटो का। और सबसे बड़े इसमें ऑर्डर करना ही करना या फिर ट्रांसफ़र करो तो भाई ये या इंसेंटिव जाएगा अगर ऑर्डर छोड़ोगे तो भाई सबसे बड़ा सीन है जोमेटो का ये। ओला में
रैपिडो में फूड में ओला फूड में इन सब में क्या है, हम ले सकते अपनी चॉइस कर सकते हैं। उस एरिया में अगर हमने नहीं जाना तो हम नहीं लेंगे ऑर्डर, बट जोमेटो में तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जोमेटो का। और ऐप यार काफी अपडेट हो गया, पे आउट का ऑप्शन आता था वो हट गया है, अब ऐसे आने लग गया, देख लिया आपने जैसे अर्निंग दिखा रहा है पहले। और ये टाइमिंग जो लगी है, टाइमिंग लगी है भाई 7 बजे लॉग इन किया था एग्जैक्ट मैंने, और रात को 12 बजे तक करा मैंने काम, 5 घंटे की इनकम है लगभग 650 रुपये। कोई कस्टमर ने टिप नहीं दी, कोई बात नहीं यार, फिर भी यार बहुत ही बड़ी अर्निंग हो गई मेरे हिसाब से जोमेटो में। पार्ट टाइम में ये अर्निंग कोई बुरी नहीं है यार, लोग सही अर्निंग है। टैक्सी से तो बेटर है, ना किसी को बिठाया ना कुछ, छोटे छोटे ऑर्डर्स थे बस। अगर कई बार क्या होता है भाई 20 रुपये के 30 रुपये के ऑर्डर के लिए ना वेट भी आधा आधा घंटा वेट हो जाता है। ये तो मेरे को आज किसी ने वेट कराया नहीं रेस्टोरेंट ने, मेरे को रेडी मिले ऑर्डर्स, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ। इसलिए आपको भी अर्निंग थोड़ी अच्छी लग रही होगी, अदरवाइज कोई रेस्टोरेंट वेट करा देता ना भाई, एक तो मेरा भी दिमाग खराब होता और अर्निंग भी इतनी खास हो नहीं पाती। तो यही सीन है भाई जोमेटो का, कुछ भरोसा नहीं है। जोमेटो क्या, जोमेटो स्विगी ओला उबर कोई भी कंपनी नहीं है भाई हमारी, हम भी किसी के नहीं है भाई। जो कंपनी हमें अच्छा देगी, जो हमें अच्छी अर्निंग कराई है उसी के हैं, यही हिसाब है भाई, यही चलना चाहिए। क्योंकि देखो कंपनी आपके बारे में नहीं सोचेगी, कोई भी कंपनी आपके बारे में नहीं सोचेगी, उसको ऑर्डर डिलीवर करने से मतलब है कंपनी को मतलब नहीं है भाई। आप कैसे जा रहे हो, आप ईवी से जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, आप कीचड़ वाला रास्ता है, आपका एक्सीडेंट हो जाए भगवान ना करे, कुछ भी हो जाए, कंपनी को कोई मतलब नहीं। कंपनी को अपना ऑर्डर डिलीवर करवाना है किसी भी हाल में। कंपनी कई बार तो मैंने देखा है भाई रास्ते में कीचड़ है सब कुछ है, तो ऑर्डर डिलीवर करने में दिक्कत आ रही, तो भाई कंपनी ने राइडर की आईडी सस्पेंड कर दी भाई। कंपनी को कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, तो हमें भी अपना देखना भाई, जो कंपनी हमें अच्छा देगी, जो कंपनी हमें अर्निंग सही देगी हम उसी के हैं, अदरवाइज भाई हम उस कंपनी में काम नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों भाई ये वीडियो यहीं तक थी भाई, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जोमेटो में यही मेरी अर्निंग थी जो मैंने करी थी एथर 450X से, इलेक्ट्रिक गाड़ी भाई। सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिक से जोमेटो में करने का यही बेनिफिट है कि यार पेट्रोल नहीं लगा मेरा कुछ। अगर यही मैं अगर पेट्रोल गाड़ी से करता पार्ट टाइम में, तो यार पेट्रोल गाड़ी से आप लगा लो कितने का पेट्रोल लगता, लगभग 150 रुपये का पेट्रोल लग जाता मेरा, और ये बचता मेरे को 500 रुपये, वो भी ठीक था भाई। अब सबका अपना इसमें है कि जितने कमाए मैंने सारे मेरे ही हैं, तो यही सीन है भाई, दोनों का अपना अपना हिसाब है। तो चलिए दोस्तों भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई ईवी के रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जो भाई चैनल पे पुराने हैं भाई प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना भी हो सके कि भाई जोमेटो से अर्निंग पार्ट टाइम में क्या क्या हो सकती है ईवी से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।